सीरियल्स की शादी, थैंकफुली असल लाइफ की शादी इस ना ऐसी नहीं होती, कम से कम मोस्ट ऑफ इट तो ऐसी नहीं ही होती। नहीं तो इन्जॉय करने की जगह शादियों को लोग तो स्ट्रेस से ही परेशान हो जाएं। खैर है मेरे हम सफ़र में, लीजिए वेद की एक तरफ हल्दी हो रही है तो वहीं प्रतिभा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। प्यार करता था यानी कि पायल, उसी के साथ उसकी शादी तय हो गई है। इस शादी से पहले जो जो रस्में होती हैं, उन रस्मों की शुरुआत हल्दी के साथ हो गई है। चाची भाभी ताई इन सबको देखिए जो वेद की हल्दी को लेकर खूब एक्साइटेड है। प्यारा है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। एंड ज्वेलरी जो है वो मानसी जी की तरफ से है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर है एवरीथिंग। ये बहुत प्यारे लगते हैं, आप एक पहन लो तो काफ़ी होता है, और बहुत एंटीक से बनाती हैं वो, एंड इट्स वेरी नाइस एंड द लुक ऑफ प्रतिभा देवी जी। घर में एक और हल्दी चल रही है तो दूसरी ओर नाच गाना, लेकिन ये क्या प्रतिभा देवी के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अब प्रतिभा देवी को एक फोन आया है, घर में उनके नाम का एक लेटर घूम रहा है। इस लेटर में लगता है कोई राज छुपा है होने वाली दुल्हनिया का। ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ देखो 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 ये आपको भटका रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी, मैं चुप रहूंगी। बस देखिए क्या है कि बहुत प्यारी सी हल्दी हो रही है, और वेद जो चाहता था, जिसके साथ वो चाहता था, उसी के साथ वो रस्म की जा रही है, पर उसके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन जैसे आपको पता चलता जाएगा वैसे ही आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा, बहुत मज़ा भी आएगा। अब ये लेटर किन किन के पास से गुजरकर प्रतिभा देवी के पास पहुंचेगा, और जब प्रतिभा देवी के पास पहुंचेगा तब क्या वो इस लेटर को पढ़ पाएंगी, या फिर इस लेटर के अंदर का राज किसी और के सामने खुलेगा? गोवर्धन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस थाल का ध्यान रखना, कहाँ है वो? भाई साहब, सुंदर भाई साहब पूछ रहे थे कि होने वाली भाभी साहब के घर पे कौन सी टोकरी जा रही, तो माने समझ पड़ी गए कि यही टोकरी खास है जो आपने सामान लेकर रखने को बोली थी, तो भाभी साहब के घर पे वो टोकरी भिजवा दी। अब राज तो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि राज खुलेगा तभी तो पायल और वेद की शादी कैंसल हो जाएगी। और आपको बता दें, जिसके साथ वेद की सगाई हुई थी यानी कि विधि, उसके साथ फिर होगी वेद की शादी। अब भाई हमारा तजुर्बा है, कहानी आगे कुछ ऐसी ही होगी, ऐसा तो लग ही रहा है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सुभान अल्लाह, में लीजिए जारा और कबीर का निकाह होने वाला है। अब हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि होने वाला तो कई बार होता है लेकिन एन मौके पर कुछ ना कुछ हो जाता है। अब क्या करें, सच्चाई की बुनियाद पर जारा जो है वो ये निकाह करना चाहती हैं, लेकिन कहीं उनके साथ धोखा ना हो जाए। Thank you.
आज वो फिर से दुल्हन बन रही है कबीर की। अब उसे एक बार फिर से मिसेस कबीर ज़ारा खान कहा जाएगा। यूं तो ज़ारा को इस खुशी का एहसास पहले भी हुआ था, लेकिन बीच में कहानी जितनी गोल 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 हो गई थी उसके चलते सब कुछ गायब हो गया था। लेकिन अब कहानी फिर से ट्रैक पर आ गई है। कबीर ज़ारा का निकाह होने वाला है। अब इस निकाह से ज़ारा और कबीर तो बेहद खुश हैं, लेकिन हमेशा की तरह नाखुश वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ज़ारा का निकाह हो, और वो है रुखसार और उसकी बड़ी बहन। रुखसार! दोनों ने सोचा था कि कबीर को ब्लैकमेल करेंगे। वो क्या है ना, एक राज छुपा है। ज़ारा को ये राज पता चले ये कोई भी नहीं चाहता है, यहाँ तक कि मौलवी साहब भी नहीं चाहते हैं। वही ज़ारा चाहती है कि उसका शौहर इस सच्चाई की बुनियाद पर उसका साथ दे। अब खैर वो राज क्या है वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अब निकाह हो गया है ज़ारा कबीर का। और निकाह के बाद झटपट से सुहागरात की रात भी आ गई, जहां पर ज़ारा कबीर एक दूसरे से अपने दिल की बात एक बार फिर से रखेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, टीवी सीरियल्स में तो अपने फेवरेट कलाकारों को देखने में बड़ा मज़ा आता ही है, लेकिन म्यूज़िक वीडियो में भी इनका अंदाज ना टोटली डिफरेंट होता है, एंड इट्स डेफिनेटली ग्रेट सीइंग देम इन अ म्यूज़िक वीडियो। वेल गेस व्हाट, हमारी नीम शेख और अर्जुन बिजलानी नज़र आएंगे साथ साथ इस नए म्यूज़िक वीडियो में। छोटी सी प्यारी सी और बहुत खूबसूरत सी लव स्टोरी आपके लिए आज लेकर आए हैं अर्जुन बिजलानी और रीम शेख। यूं तो दोनों कभी नहीं मिले हैं, लेकिन जब मिले तो इनकी जोड़ी आकाश और रिया की बन गई। आकाश और रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार के दोनों एक दूसरे के बिना जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकते हैं। फिर इनके बीच ऐसा क्या हो गया कि इनका इश्क तन्हा रह गया? प्यार की कसमें खाते हैं, जब मिलते हैं तो एक दूसरे की यादों में खो जाते हैं। आप भी देखिएगा और जरूर बताइएगा कि अर्जुन और रीम की जोड़ी आपको कैसी लगी। दोनों का ये म्यूजिक वीडियो आपको जल्द ही देखने मिलेगा। She's energetic, कभी कभी days, she just lost. ऐसे देखती रहती है। And then आपको क्या हुआ? Everything okay? No, this is my habit. I go into my trance. तो वैसे है। I think मैं थोड़ी सी शांत रहती हूँ, whereas he's always, you know, trying to make everybody laugh, and that's a very good quality, I guess. अपने अपने शॉट के लिए दोनों तैयार हो रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है क्या ये दोनों पहली बार मिले हैं? दो दिन तक इनके म्यूजिक वीडियो इश्क तन्हा है की शूटिंग चली, और यकीन मानिए इन दो दिनों में अर्जुन रीम के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वैसे सेट पर इन्हें साथ इतना मस्ती करते देख लग रहा है कि इनकी केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आएगी। All I can say is that the song is really nice. मतलब बहुत इमोशनल गाना है और people are going to love it. And he's a singer, a नया लड़का है, और उसकी आवाज़ बहुत कमाल की। And I really hope कि you know he deserves a lot of success. Really hope that he gets lots and lots of likes. There's a typical ये इसका मतलब बताओ?
ये जो हमने किया इसका मतलब हार्ट होता है. इट्स अ हार्ट सो दिस इज गोना बी आवर थिंग इन द सॉन्ग व्हिच मींस अ हार्ट एंड यू कैन जस्ट से इट मींस आई लव यू. इस सीरियल की शूटिंग से हटकर जब कलाकारों को कुछ ऐसा अलग करने का मौका मिलता है तो वो भी इतने महीनों बाद जहां पर हम लॉकडाउन से गुजर रहे थे. अब लॉकडाउन खत्म हो गया है तभी तो ये सभी सितारे एक खूब मेहनत कर रहे हैं अपने फैंस के लिए ताकि नई नई चीजें उनके सामने पेश कर सकें. मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. अच्छा याद है आपको बचपन में हम कितने सारे टंग ट्विस्टर खेला करते थे. वो चंदू के चाचा को चंदू की चाची ने वगैरह वगैरह वगैरह. आई मीन इट्स स्टिल अ टंग ट्विस्टर फॉर अस. तो क्या ख्याल है एक बार फिर से वो यादें तरोताज़ा कर ले. जी हाँ लेकिन इस बार ये खेल आप और हम नहीं खेलेंगे. खेलेंगे तो हमारे टेलीविजन के सितारे. मैंने कभी किया नहीं है. चाचा ने चाची को नंदू के नाना ने नंदू की नानी को रेल लाल रेल चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. तुम खुद फंबल कर रहे हो. मेरा क्या है. मैं तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे लिए है ना. ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की ऊंची पीठ ऊंच की. क्या बोल रही हूँ मैं. वो मैंने कभी किया नहीं है. हाँ. मुझे पता है कि मेरी समझ में ना समझ होगा ना वैसे थोड़ी होगा. अरे कहना क्या चाहते हो. मेरी समझ में ना समझ होगा ना वैसे थोड़ी होगा. चंदू की छाती को आनंद नगर में था. ओके ये मैं बोल देती हूँ. नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई. नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई. नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई. नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई. नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंद नगर में नागिन दिखाई. समझ के समझो. समझ समझना भी एक समझ है. समझ के जो ना समझे मेरी नजर में वो ना समझे. समझ के समझ को समझो. समझना भी एक समझ है. समझ के जो ना समझे मेरी नजर में वो ना समझे. समझ के समझ को समझो. समझना भी एक समझ है. नीली रेल लाल रेल. नीली रेल लाल रेल. नीली रेल लाल रेल. ऊट ऊटा ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊट की. ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊट की. ऊट ऊंचा ऊट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊट की. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. ऊट ऊटा ऊटा ऊटी ऊंची ऊंची. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ. खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ. खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. बोल दिया पांच बार. सब पहुंच गया था. लास्ट बचा था. चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मची से चटनी चखाई. तुम खुद फंबल कर रहे. मेरा क्या. मैं तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारे लिए है ना. चुन्नू के चाचा ने चुन्नू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. वाओ वाओ. इसलिए प्रैक्टिस करवाई थी तीन बार. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. पीतल पापी पापी चूलो पापी. पीला पीला पीतल के पपीते में पपीता पपीते. एक ही गलत हुआ. दो बार. ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांद की रात में चांदनी के चम्मच में. ऊंट ऊंचा ऊंची पीठ ऊंच की. क्या बोल रही हूँ मैं. ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की. ऊंट ऊंचा ऊंची पीठ ऊंच की. ऊंच की नहीं. पेड़ का पका पपीता
पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ का पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ का पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। चाचा ने चाची को, नंदू के नाना ने नंदू की नानी को, रेल लाल रेल, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।